अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 7+ न्यूज HD। मैं हूं मोहम्मद अहसन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। जामपुर से हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद नवाज खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम मुफ्ती आटा पॉइंट गर्ल्स कॉलेज मोहम्मदपुर दीवान में आज़ाद प्रेस क्लब के सहाफियों की निशानदही पर हेल्थ के सरकारी मुलाजमीन के आटा की 36 थैलियों की करप्शन का इंकशाफ और पुलिस थाना मोहम्मदपुर दीवान ने बरवक्त कार्रवाई करके IT यूजर और मिल्स मालकान मुलजिम इकरामुल हसन, इरफान नज़ीर, बिलाल अहमद, इकरामुल हसन भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजमान का ताल्लुक फजलपुर से बताया जाता है। पुलिस ने आटे की 36 थैलियां तहवील में ले ली हैं। इस मौके पर अवामी, समाजी और सियासी हलकों की तरफ से आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान के अहदेदारान और पुलिस थाना मोहम्मदपुर दीवान को खराज तहसीन पेश किया। प्रेस क्लब के अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए गए। लोगों ने मुफ्त आटा पॉइंट पर करप्ट टोले को बेनकाब होने पर हुकूमत वक्त और कमिश्नर डेरा गाजी खां और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरन नौकरी से फारिग किया जाए ताकि दोबारा करप्शन को फरोग ना दे सकें। बुलेटिन में फिलहाल इतना, मजीद देखते रहें 7+ न्यूज HD।